अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। अभी हम सब लोग इकट्ठा होकर मीरापुर जा रहे हैं और मीरापुर में विजय संकल्प महारैली आयोजित हो रही है, जिसमें लाखों की तादाद पर पूरे बिजनौर लोकसभा से सारे किसान, गरीब, मजदूर, सर्व समाज एक साथ सब लोग पूरी लोकसभा क्षेत्र के वासी मंच पर रखेंगे। जैसा आप सब लोग जानते हैं, किसान बदले की राजनीति नहीं करता। किसान, गरीब, मजदूर, युवा बदलाव चाहता है और ये परिवर्तन 2024 होगा, 27 होगा। परिवर्तन का बुगुल पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मच चुका है। पूरा सर्व समाज आज एकत्रित है। जब तक उनके शरीर में एक एक कतरा बचा हुआ है, वो लोकदल पार्टी का, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का नाम और झंडा झुकने नहीं देंगे। सब लोग इकट्ठा होकर, जैसा आप सब लोगों ने देखा था, लोकदल पार्टी ने उनके पैतृक गांव में जाकर कसम खाई थी। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5000 से भी ज़्यादा गांवों में दूध इकट्ठा हुआ था, मावा निकाला था, मिठाई बनाई थी। 5000 गांवों की मिट्टी, 5000 गांवों से मिठाई इकट्ठा करके जब हम सब लोग किसान घाट गए थे, जब हमने उनकी जन्म शताब्दी बनाई थी, उस पर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर्व समाज ने ये कसम खाई थी कि जब तक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिलेगा, तब तक बच्चा बच्चा शांति से नहीं बैठेगा। आज लोकदल पार्टी का सपना पूरा हुआ। जो चौधरी साहब का सम्मान था, वो लोकदल पार्टी ने उनको सम्मान दिलाया। उनके जो आदर्श हैं, वो हम सब में बसते हैं। जैसे लोकदल पार्टी की किसान भाइयों की, गरीब युवा मजदूरों की जीत हुई है, उसी तरीके से सब लोगों ने फिर दोबारा परिवर्तन की कसम खाई है। आज उस कसम को लेकर बिजनौर लोकसभा के सारे क्षेत्रवासी सब लोग एकत्रित हैं और सब लोग संकल्पित हैं। सब लोग संकल्प लेते हैं कि बिजनौर में परिवर्तन होगा। पहले घर मजबूत होगा, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश मजबूत होगा, एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा। और जब नए राष्ट्र का निर्माण होगा, तो इस देश को विकसित बनाया जाएगा। और अगर ये देश विकसित होगा, तो पूरी दुनिया में तीसरी ताकत बनकर उभरेगा, इकट्ठा होगा, अपनी नई पहचान बनाएगा। इतिहास गवाह है, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा युवा, सबसे ज़्यादा कर्मठ युवा हिंदुस्तान में बसता है। हिंदुस्तान का जो दिल है, वो अब जवान है। सारे जवानों ने ये सौगंध खाई है, संकल्प की सौगंध खाई है, संकल्प लिया है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन का बिगुल आज मीरापुर से होगा। इस समय हम पांडवों की, पितामह भीष्म की, चक्रधारी श्री कृष्ण की पावन भूमि पर हैं। इतिहास गवाह है, सत्य की हमेशा जीत हुई है। महाभारत की धरती, महाभारत की पावन धरती पर जो किसान के हम रथ हैं, जो हमारे रथ हैं, हम अब रथ पर एक सवार हैं। चौधरी विजेंद्र सिंह, तो चौधरी विजेंद्र सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि सत्य की लड़ाई को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। किसान का हक उसको दिलाना है और जवान और युवा मिलकर जब संकल्पित हो जाता है, तो फिर दिशा बदलती है राजनीति की। अब देखते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव क्या परिवर्तन देगा। बिजनौर से मैं प्रखर प्रकाश मिश्रा फर्स्ट बाइट के लिए इस वक्त मवाना से बहुत बहुत धन्यवाद। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस, और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वालंटियर्स कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।